हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। हम फिर हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ। तो अगर आप न्यू व्यूवर्स से तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। तो हाल ही में मैंने एक टर्किश मूवी देखी जिसका नाम था सेमुम, और बाकी टर्किश मूवी से काफी अलग और इंटरेस्टिंग है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वोल्कान नाम का एक आदमी जो कि एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, और शहर में वो एक बंगलो खरीदना चाहता था, और इसी के चलते वोल्कान अपनी पत्नी जैनन के साथ एक बंगलो देखने जाता है, जहां की एक ब्रोकर उसे बताता है कि बंगलो का असली मालिक अमेरिका में रहता है और इस बंगलो की उसे कोई खास जरूरत नहीं है, इसीलिए वो इस बंगलो को काफी कम कीमत में बेच रहा है। वोल्कान अपनी पत्नी जैनन के साथ में बंगलो के अंदर जाता है, लेकिन वहां का गार्डनर उसे अंदर जाने से रोकता है, जो कि काफी अजीब दिख रहा था। गार्डनर के रोकने के बाद भी वोल्कान और जैनन बंगलो के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें बंगलो के अंदर का इंटीरियर और डिजाइन उन्हें काफी पसंद आता है, और वो इस बंगलो की डील को फाइनल कर देते हैं। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बंगलो के गार्डन में कुछ दफना रहा है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वोल्कान और जैनन जल्दी ही बंगलो की डील फाइनल करने के बाद अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो काफी खुश लग रहे थे क्योंकि एक बहुत ही आलिशान बंगलो उन्हें काफी कम दाम पर मिल गया था, और वो दोनों इस खुशी को एंजॉय कर रहे थे, और कोई उनके पर्सनल मोमेंट्स को चोरी छुपे देख रहा था। एक रात जब वोल्कान और जैनन अपने बेडरूम में सो रहे थे तो उनकी पालतू बिल्ली कुछ अजीब देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है, और इसी के साथ हमें काली परछाई को आता हुआ देखते हैं। अगले दिन जैनन की बेस्ट फ्रेंड बानू जैनन से उसके नए घर में मिलने आती है, जो कि जैनन के काफी क्लोज थी। बानू जैनन को एक पेंटिंग गिफ्ट करती है जो कि जैनन अपने लिविंग रूम में लगा लेती है। बानू के अकॉर्डिंग ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं थी, ये पेंटिंग बुरी शक्तियों को बंगलों में आने से दूर रखेगी। और तभी अचानक जैनन की पालतू बिल्ली बानू के ऊपर कूद जाती है, जिससे कि बानू काफी डर जाती है और बानू अपने घर चली जाती है। जब जैनन बानू को छोड़ने बाहर तक आती है तो उनका गार्डनर जैनन को काफी अजीब तरीके से देखता है, और जैनन के वापस अंदर आने पर उसका पड़ोसी दरवाजा नॉक करता है, और जब जैनन दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वो पड़ोसी बहुत ही गुस्से में है, और उसके हाथ में एक थैली है जिसमें कि सड़ा हुआ मांस होता है, जो कि काफी बदबू मार रहा था। वो पड़ोसी बहुत ही गुस्से में था और जैनन से कहता है कि उसने ही उसके गार्डन में सड़ा हुआ मांस फेंका है, और वो जैनन के घर में घुसने की कोशिश करता है क्योंकि जैनन के घर में से भी वही सड़ी हुई बदबू आ रही थी। लेकिन घर में अकेली होने के कारण जैनन उसे अंदर नहीं आने देती और उस पड़ोसी को अपने घर से भगा देती है। वोल्कान जब अपने ऑफिस से घर आता है तो जैनन उसे सारी बात बताती है, और वोल्कान गुस्से में उस पड़ोसी के घर जाता है और उसे धमकाता है कि उसकी गैर हाजिरी में अगर वो दोबारा उसके घर आया तो वो पुलिस को बुला लेगा। और जब वोल्कान वापस आता है तो वही गार्डनर उसे मिलता है, और वो बताता है कि उस पड़ोसी के घर जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और उसकी बीवी कई दिनों से गायब है, जिसका शक पुलिस वालों को उसी पड़ोसी पर है, और पुलिस को लगता है कि उसी आदमी ने अपनी पत्नी को मार डाला है। जिसे सुनकर जैनन और वोल्कान और परेशान हो जाते हैं, और ये सोचने लगते हैं कि उन्होंने ये बंगला लेकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। रात होने पर वोल्कान और जैनन दोनों अपने बेड पर थे, और जैनन को बहुत प्यास लगती है, जिसके चलते वो किचन में जाती है, लेकिन वहां कोई अदृश्य शक्ति उसे जोरदार धक्का देती है, जिससे कि पानी से भरा ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है। वो डर के मारे वापस अपने रूम की तरफ भागती है कि तभी उसे अपने घर के एटिक से कुछ अजीब अजीब आवाजें आती है, जिसे चेक करने के लिए जैनन ऊपर एटिक में जाती है, जहां उसे किसी की गर्म सांसें महसूस होती है, और एक तेज गुर्राहट के साथ उसे एक डरावनी परछाई अपनी ओर आती दिखती है, जिससे कि वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर वोल्कान भी अपनी नींद से जाग जाता है और जैनन के पास जाता है, जहां जैनन उसे अभी अभी एटिक में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, और वोल्कान जैनन के साथ एटिक चेक करने चला जाता है, जहां उसे अपनी पालतू बिल्ली के अलावा और कोई नहीं दिखता। जैनन उसे फिर कहती है कि यहाँ पर कोई लंबे बालों वाली परछाई मौजूद थी, लेकिन वोल्कान उसे जैनन का वहम बताकर उसे वापस सोने को कहता है, और उन दोनों के वापस बेड में जाते ही एटिक में फिर से हलचल होना चालू हो जाती है। अगले दिन वोल्कान अपने ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन वोल्कान से एक्सीडेंटली
अपनी पालतू बिल्ली पर गाड़ी चढ़ जाती है और उसकी बिल्ली मारी जाती है। वोल्कान उनके गार्डनर से कहता है कि इस बिल्ली को दफना कर यहाँ की सफाई कर दे, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके बारे में जेनान को कुछ भी न बताए, क्योंकि वो इस बिल्ली से बहुत प्यार करती थी और घर में लगातार हो रही घटनाओं से वो पहले ही परेशान थी। गार्डनर भी ठीक वैसा ही करता है जैसा कि वोल्कान उसे कहता है, और वोल्कान वहां से चला जाता है। वोल्कान के जाने के बाद जेनान घर पर अकेली होती है और उसे उसकी पालतू बिल्ली कहीं नहीं दिख रही थी। जेनान को अचानक पड़ोस से आवाज आती है और उसे किचन से देखने पर पता चलता है कि उसका वही अजीब पड़ोसी अपनी कार में एक बड़ा सा बैग भरकर कहीं ले जा रहा था, जिससे कि जेनन को उस पर और शक होता है। जेनन सभी दूर अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी और ढूंढती ढूंढती वो उस पड़ोसी के गार्डन में चली जाती है, और तब तक वो पड़ोसी वहां आ जाता है और गुस्से में जेनान को वार्निंग देता है कि आइंदा से वो उसकी प्रॉपर्टी में ना घुसे, और जेनान वापस अपने घर चली आती है। जेनान वापस घर आकर टीवी देखने लगती है, और टीवी देखते देखते उसकी आंख लग जाती है। कुछ मिनटों बाद जब जेनान की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लिविंग रूम में बानू की दी हुई पेंटिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, और वो उसे जाकर फिर से सीधा करती है और बानू को कॉल करके शॉपिंग के लिए पूछती है। फोन पर बात करते करते जेनान जो वापस पलटती है तो देखती है कि वो अभी भी पेंटिंग के सामने ही खड़ी है। वो जब सामने वाली जेनान पलटती है तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, और असली जेनान की बॉडी धीरे धीरे अकड़ने लगती है, जिससे कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। और अचानक जेनान की नींद खुलती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो नींद में थी और सपना देख रही थी, लेकिन वो पेंटिंग अभी भी तिरछी थी। जेनान उसे फिर से ठीक करने जाती है, और तभी बानू का कॉल आ जाता है, और बानू आगे रहकर उसे शॉपिंग के लिए पूछती है, जो कि काफी स्ट्रेंज था। शाम को जब वोल्कान ऑफिस से अपने घर आता है तो जेनान उसे बताती है कि शायद इस घर में कोई बुरी आत्मा का साया है, इसीलिए उन्हें यह घर सस्ते में मिल गया। और वोल्कान उसका मूड ठीक करने के लिए उससे एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन वहां भी जेनान काफी परेशान लग रही थी। उसे वहां किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि सिर्फ वही सुन पा रही थी, और उसका गला अचानक चोक हो जाता है, जिससे कि वो भागकर वॉशरूम में जाती है और अपने आप को ठीक करती है कि तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा अपने आप खुलता है, जिसे चेक करने के लिए जेनान बाहर जाती है। वो देखती है कि वो तो वोल्कान के साथ बैठी है और वही बातें दोहरा रही है जो कि उसने थोड़ी देर पहले की थी। जेनान वोल्कान की टेबल के पास जाती है और सामने वाली जेनान को ठीक उसी तरह चिल्लाती है जिस प्रकार थोड़ी देर पहले उसने चिल्लाने की आवाज सुनी थी, और तभी जेनान उसका गला दबाती है, जिससे कि चेयर पर बैठी जेनान का गला चोक हो जाता है। मतलब कि जो कुछ भी थोड़ी देर पहले जेनान के साथ हुआ वो उसने खुद ही अपने साथ किया था। और जेनान के इस स्ट्रेंज बिहेवियर के चलते वोल्कान उसे वापस अपने घर ले आता है। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन जेनान को लगातार कोई औरत दिखाई दे रही थी, जिसके कारण जेनान की मेंटल कंडीशन काफी खराब हो रही थी। वो बेवजह हंसने लगती है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, और हम देखते हैं कि कोई शैतानी ताकत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। एक दिन जेनान बानू के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ जेनान बानू को उसके साथ घर में हो रही घटनाओं के बारे में बताती है, और यह भी बताती है कि किस तरह उसे हर वक्त एक अजीब आवाज सुनाई देती है। और तभी उसे फिर से वही तेज आवाज आती है, और बानू उसे एक शैतान के रूप में दिखने लगती है, और यह सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। जेनान के साथ उसके घर में भी कई सारी स्ट्रेंज घटनाएं घट रही थी। एक रात जब वो सोने के लिए जाती है तो उसे एक विजन आता है कि वो अपने गार्डन की जमीन में एक ताबूत में दफन है, और कोई शैतान उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। और तभी जेनान को होश आता है, और वो देखती है कि एक शैतानी परछाई उसके कमरे में आ रही है, और धीरे धीरे वो शैतानी परछाई उसके बेड पर चढ़ जाती है। जेनान का शरीर अपने आप धीरे धीरे अकड़ जाता है, जिसके कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, ताकि पास में सोए वोल्कान को उठा सके। और वो शैतान अपने मुंह से काली सी चीज जेनान के मुंह में डालता है, और जेनान के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है, जिससे कि वोल्कान जाग जाता है। और अगले ही दिन वोल्कान जेनान को एक डॉक्टर के पास ले जाता है, जिसे जेनान बताती है कि उसे एक शैतानी क्रीचर दिखता है, और ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज उसकी बॉडी के अंदर रेंग रही है, जिससे कि उसका शरीर बार बार अकड़ जाता है। डॉक्टर वोल्कान को बताते हैं कि जेनान स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में है, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही है, और डॉक्टर उन्हें दवाइयां देकर वापस उनके घर भेज देता है।
इधर जेनान की तबीयत काफी बिगड़ती जा रही थी, इसलिए जेनान की बेस्ट फ्रेंड बानू जेनान का ध्यान रखने के लिए उसके घर आ जाती है। एक रात जेनान अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उससे एक विजन आता है कि उसने अपने एटिक में नंबर 13 को देखा था और उसके पड़ोसी की कार का नंबर भी 13 ही है, जिसने कि अपनी वाइफ को मार दिया और उसकी वाइफ की आत्मा जेनान से कुछ कहना चाह रही थी। और जेनान हाथ में चाकू लिए अपने घर से निकल पड़ती है, जिसके कुछ देर बाद वोल्कान को अपने पड़ोसी के घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वहाँ जाने पर वो देखता है कि जेनान हाथ में चाकू लिए खड़ी है और उस आदमी के हाथ पर चाकू की खरोंच का निशान है। वोल्कान को अपने सामने देखकर जेनान को होश आता है और जब उससे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वापस घर आने पर जेनान वोल्कान से कहती है कि उसी आदमी ने अपनी पत्नी को मारा है और उसकी पत्नी की आत्मा ही जेनान से यह सब कुछ करवा रही है, क्योंकि उनके गार्डन में ही उसने उसकी लाश को दफनाया है ताकि पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाए। और तभी अचानक जेनान को कुछ होता है और वो बेहद डरावनी आवाज़ में कहती है कि वो जेनान की सोल को नर्क की गहराई में ले जाएगी और उसे जल्दी ही मार देगी। और इतना कहकर जेनान फिर बेहोश हो जाती है। वोल्कान उसे बेड पर लेटा देता है और खुद स्मोक करने बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर जेनान आ जाती है और उसके चेहरे को नोच डालती है। लेकिन वोल्कान को पता चलता है कि यह सिर्फ एक सपना था और वो देखता है कि जेनान कोने में बैठी है और बाहर की तरफ इशारा कर रही है, जिससे कि वोल्कान डर जाता है और बाहर चेक करने जाता है जहाँ उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन जेनान उस शैतान को वोल्कान के पीछे साफ साफ देख पा रही थी। अगले दिन वोल्कान अपने ऑफिस नहीं जाता क्योंकि जेनान की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और डॉक्टर उसे चेकअप के लिए आने वाला था। बानू भी जेनान को देखने आ जाती है और जब वोल्कान बानू के साथ जेनान के कमरे में जाता है तो वो देखते हैं कि जेनान जमीन पर पड़ी है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से अकड़ी हुई है। जेनान अचानक उठकर पास में रखी कैंची उठा लेती है और वोल्कान पर हमला करती है, जिसे छुड़वाकर वोल्कान उसे काबू करने के लिए उसे बेड पर बांध देता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर भी जेनान के चेकअप के लिए आते हैं, लेकिन जेनान फिर बेकाबू हो जाती है, जिसके कारण डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देते हैं और डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वोल्कान का गार्डनर उसे बताता है कि उसके पड़ोसी की वाइफ, जो कि काफ़ी समय से मिसिंग थी, वो मिल चुकी है। दरअसल वो अपने पति से छुप रही थी क्योंकि वो उसे मारता था, और इसका मतलब ये था कि उस पड़ोसी ने अपनी वाइफ को नहीं मारा है। तो आखिरकार वो क्या कारण था जिससे कि जेनान को ये सब झेलना पड़ रहा था? आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब वोल्कान अपनी परेशानी उसके ऑफिस के ही एक कलीग अली को बताता है, जिस पर अली उससे कहता है कि उसे किसी प्रीस्ट से बात करनी चाहिए। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डॉक्टर के पास ना हो उसे कोई ओझा या प्रीस्ट सुलझा सके। वोल्कान अली की बात मानकर प्रीस्ट के पास जाता है, जो कि उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और प्रीस्ट तुरंत ही उनके साथ उनके घर जेनान को देखने चल पड़ता है। प्रीस्ट को बंगलों में एंटर होते ही एक डार्क एनर्जी महसूस हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि आखिरकार इन सब चीज़ों की असली वजह क्या है। वो जेनान के कमरे में जाता है और वोल्कान और अली को बाहर जाने को कहता है। वो देखता है कि जेनान पूरी तरीके से पजस्ड हो चुकी है और वो प्रीस्ट को मारने की धमकी देती है, लेकिन प्रीस्ट जेनान को सेमुम कहकर बुलाता है। वो कहता है कि उसे जेनान का शरीर छोड़कर जाना होगा, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। जिस पर जेनान कहती है कि सेमुम को मारना इंसानों के बस की बात नहीं, और उसके मुंह से ढेर सारे कीड़े निकलने लगते हैं। और तभी डॉक्टर वहां आ जाता है। वो प्रीस्ट से कहता है कि जेनान को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, न कि झाड़ फूंक की। जब डॉक्टर जेनान को टच करता है तो उसे एहसास हो जाता है कि सचमुच में जेनान किसी शैतान के कब्जे में है, और वो प्रीस्ट को उसका काम करने देता है। प्रीस्ट एटिक में मोमबत्ती लेकर जाता है, वहाँ उसे 13 नंबर बना हुआ दिखता है जो कि जेनान को दिखा था, और मोमबत्ती की गर्माहट से वहाँ लिखे बाकी के शब्द भी उभरने लगते हैं। वो 13 नंबर पूरा होकर बानू में बदल जाता है। बानू का नाम देखकर वो यही चीज बानू की दी हुई पेंटिंग के साथ करते हैं। पीछे उन्हें कई सारे स्पेल और काले जादू के निशान मिलते हैं। वो यहीं से मूवी के सारे राज खुलते जाते हैं। दरअसल बानू ने काले जादू की मदद से सेमुम नाम के क्रीचर को बुलाया था ताकि वो जेनान की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर सके। उसने इस काम के लिए सेमुम को इंसानी सिर ऑफर किया था क्योंकि वो जेनान से जलती थी। जेनान के पास वो सब कुछ था जो बानू को चाहिए था,
बानू ने ही एटिक में और पेंटिंग पर स्पिल किया था और उसी ने सड़ा हुआ मीट उसके पड़ोसी के गार्डन में फेंका था। प्रिस्ट सेमुम को जैनन के शरीर से निकालने के लिए रिचुअल करता है जिसमें वो सेमुम की दुनिया में आ जाता है जहां सेमुम ताकतवर था और प्रिस्ट एक मामूली सा इंसान। सेमुम एक ऐसा क्रिएचर था जो हेल में रहकर शैतान की पूजा करता था और उसे भरोसा था कि शैतान उसे हारने नहीं देगा। प्रिस्ट अपनी जेब से प्रेयर की बुक निकालता है और उस प्रेयर को पढ़ने लगता है जिससे कि सेमुम अपने आप कमजोर महसूस करने लगता है। प्रिस्ट को ऊपर वाले पर पूरा भरोसा था और सेमुम भी शैतान से मदद मांगता है लेकिन ऊपर वाले के आगे शैतान क्या कर सकता है। उस सेमुम का खात्मा हो जाता है और जैनन फिर से ठीक हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बानू ऐसा कर सकती है। सभी लोग प्रिस्ट के साथ बानू के घर जाते हैं और वो बानू के द्वारा उनके गार्डन में दफनाए हुए सिर को निकालकर उसे जला देते हैं। और जब बानू अपने घर पहुंचती है तो उसे वहां पर एक मरी हुई बानू दिखती है और बानू की सोल हेल की आग में जल जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल बानू वोल्कान की सक्सेस और जैनन से जलती थी इसीलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि उन्हें लगे कि उनके घर में कोई भूत है। मूवी की स्टार्टिंग में बानू ने ही जैनन के गार्डन में वो सिर को दफनाया था। और सेमुम की बात करें तो ये एक सैटेनिक क्रिएचर है जो कि हेल में रहता है और किसी के बुलाने पर ही आता है। सेमुम जैनन के कमजोर होने का इंतजार कर रहा था इसीलिए उसने उससे विजल्स दिखाकर मेंटली कमजोर किया और उसकी प्यारी बिल्ली को मार दिया जिससे कि वो टूट जाए। और इसका फायदा उठाकर सेमुम ने जैनन को पूरी तरह से पजेस कर लिया और सेमुम की मौत के साथ ही बानू का स्पेल उल्टा उसी पर पड़ गया और वो भी मारी गई। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली है।